कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। तेल बाजारों में इस हफ्ते तेजी आएगी क्या? बाजारों में यहाँ पर खरीदारी का सही समय? नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों की जानकारी, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पाम ऑलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, पोर्ट की जानकारी भी बताएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो आप जैसे कि आप लोगों को मालूम है इस हफ्ते बाजारों में किस तरीके से सोमवार के दिन आज बाजारों में कामकाज होना है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। साथ ही इंटरनेशनल बाजारों की रिपोर्ट्स के बारे में भी आपको बताते हैं, इंटरनेशनल बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है। अगर बात कर लेते हैं अगर सोया ऑयल की, सोया ऑयल का भाव जैसे कि देखा गया 125 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज बीते हफ्ते में कामकाज देखा गया। पामोलिन में रेडी का भाव 122 रुपए, फॉरवर्ड का भाव 110 रुपए तक बाजारों में कामकाज हो गया। इसी तरीके राइस ब्रैन ऑयल का भाव 115 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का भाव 135 से 37 रुपए के बीच में कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड में लगातार गिरावट जारी है, सोयाबीन सीड का भाव 5400 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज देखा गया। चलिए बात कर लेते हैं काकीनाडा में सन रिफाइंड की, किस तरीके से कामकाज हुआ काकीनाडा में। अगर बात करेंगे कार्टन रिफाइंड, अब तक ओलिन से प्रीमियम अभी तक सबसे ज़्यादा 35 रुपए किलो का बना हुआ है। मूंगफली तेल ने सबसे महंगे वेज ऑयल का मेडल अभी भी बाजारों में आप देख रहे हैं, मूंगफली तेल सबसे ज़्यादा ऊपर बना हुआ, कार्टन और सन ऑयल भी अभी ऊपर है। ओलिन से लगभग बात करी जाए तो 50% महंगा बाजार चल रहा है। सीजन में सोया ऑयल का फर्क बाजारों में आने वाले समय में आप देख के कम हो सकता है। अगर आप बात करें पाम ऑयल, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव पाम ऑयल में आने वाला है। मलेशिया, इंडोनेशिया दोनों देशों में उत्पादन इस समय पीक पे चल रहा है। स्टॉक बढ़ने से अगर कैश मार्केट में दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेडर अगर बात करें तो कुछ दिनों में कांडला में ओलिन लगभग 100 रुपए का प्राइस भी तोड़ता हुआ बाजारों में दिखाई देके चल सकता है। साल की तिमाही की बात करी जाए तो सोया रिफाइंड 100 से 110 रुपए की रेंज में आ सकता है। ब्लैक सी देशों में बढ़ती सप्लाई के दबाव में सन ऑयल 125 रुपए भी हो सकता है। ये अभी सिर्फ प्रिडिक्शन है कि बाजारों में जब माल आएगा उसका इम्पैक्ट आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बताया कि सितंबर मंथ में बाजारों में जब मार्केट खुलता है, बाजारों में पैरिटी किस तरीके की आती है, किस तरीके से बाजारों में पोर्ट पर माल आता है, उसको देख के अगर व्यापार करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप जान लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट में लगातार गिरावट जारी है। कांडला पोर्ट में सीपीओ का भाव 1017 रुपए हो गया, फॉरवर्ड का भाव 947 रुपए। पामोलिन की अगर बात करें तो 1100 रुपए पे कामकाज हुआ। सोया रिफाइंड का भाव 1200 रुपए रहा। सोया डिगम का भाव 1185 रुपए, फॉरवर्ड में 1145 रुपए पे कामकाज हुआ। सनफ्लावर ऑयल का भाव 1560 रुपए रहा। केएलसी की अगर बात करी जाए, केएलसी बीते हफ्ते में 86 रिंगिट के साथ गिरावट के साथ बंद हुई थी। आज केएलसी जो सुबह मॉर्निंग में ओपन हुई है 50 रिंगिट प्लस ओपन हुई है, तो इसका इंपैक्ट आप हल्का फुल्का बाजारों में आप पोर्ट के भाव में देख के चल सकते हैं। लेकिन घरेलू बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड में सौदे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि घट के मिल रहे हैं। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। सोया ऑयल सीपीओ में अगर रेडी की बात करिए, सपोर्ट का लेवल 123 रुपए, रेजिस्टेंस का भाव 125 रुपए। पामोलिन में इसी तरीके सपोर्ट का लेवल 121 रुपए, फॉरवर्ड में 109 रुपए का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो 123 रुपए पामोलिन का, फॉरवर्ड का भाव 112 रुपए। राइस ब्रांड का इसी तरीके सपोर्ट का लेवल 114 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 116 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए। मस्टर्ड सीड में आप देख रहे हैं सीमित दायरे में बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। इसी तरीके सोयाबीन में अगर बात करें, एमपी लाइन में लगातार गिरावट आ रही है। एमपी लाइन का भाव 5400 रुपए के आसपास हो गया। अगर सपोर्ट की बात करें तो आज का 5200 रुपए का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल 6000 रुपए के आसपास बाजारों में देखा जा रहा है। तो वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद्य तेल बाजारों में जरूरत के हिसाब से खरीदारी करिए, ओवरलोडिंग खरीदारी करने की फिलहाल कोई भी बिल्कुल भी जरूरत अभी नजर नहीं आ रही है। आप अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।